गुरुग्राम के गढ़ीहर सरू के पास एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ये सभी लोग एक शादी समारोह से लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे। आपको बता दें, सभी 6 लोग एक साथ प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे। देर रात करीब 12 बजे ये सड़क हादसा हुआ। ये भी आपको बता दें कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज रही कि इस बात का अंदाजा हादसे में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी से ही देखकर लगाया जा सकता है। गाड़ी के सड़क से खाली प्लॉट में पड़ी ईंट के ढेर से जा टकराने के कारण गाड़ी के बुरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गाड़ी में मौजूद सभी लोगों की पहचान हो गई है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने सभी 5 मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिवार को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। वहीं हार्दिक तिवारी अभी भी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस को किसी भी तरह का बयान देने की हालत में नहीं है। ऐसा जी, रात को 2 बजे के आसपास की है बात। ये है, गाड़ी उधर स्पीड में थी, इधर ईंट का जो जत्था लगा हुआ था इसमें उधर से रोड से उतर के आई है, मोड़ से अनबैलेंस हुई है, जो भी स्पीड की वजह से टक्कर मार के यहाँ गाड़ी पलट गई। तो पुलिस वाले आए हुए थे, उन्होंने देख के निकाले हैं। 6 बंदे थे, जिसमें से मतलब 5 की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट और 1 है उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। करीबन 12:30 बजे ड्यूटी से आया था मैं, तो 11 बजे, तो उस टाइम सोए भी नहीं थे। घर के अंदर से एक आवाज़ आई थी अचानक से, देखा तो है नहीं, बाहर आके सब सुबह आके देखा तो पता चला ये हुआ है। लोगों से पता चला कि हाँ 5 लोग एक्सपायर हुए हैं, एक अभी हॉस्पिटल एडमिट है, वो भी सीरियस ही है, हालत देख के पता लग रहा है। रात के समय का है ये, शायद अपने साढ़ाणा की तरफ से आए हैं और बहुत तेज़ स्पीड होने के कारण गाड़ी को संभाल नहीं पाए, पलटियाँ खाती हुई। अपना यहाँ सामान रखा हुआ था, ये ईंट वगैरह का चट्टा लगा हुआ है अपने प्लॉट में, यहाँ आके टकराई हैं और ये हाल हुआ है, रोड से काफ़ी नीचे। फिलहाल पुलिस किसी बात का इंतजार कर रही है कि जैसे ही एक युवक होश में आएगा उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आज इस पूरे हादसे का मुख्य कारण क्या रहा होगा। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।